हाय यू ऑल, आज हम लोग डोर्स के बारे में पढ़ते हैं कि अलग अलग कितने टाइप्स के डोर होते हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं और किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहाँ कौन सा डोर लगाना होता है, वो हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पे देख लीजिए। फंक्शंस ऑफ डोर एंड विंडो, टाइप्स ऑफ डोर कितने टाइप के होते हैं, लेस्ड और ब्रेस्ड डोर होते हैं, बाउंड लिनिंग डोर होते हैं, फ्लश पैनल डोर होता है, पैलन डोर होता है, प्रेस्ड पैनल डोर होता है, और हैंगिंग अ डोर कैसे करते हैं, फायर रेसिस्टेंस डोर कैसे होते हैं, स्मोक सील कैसे करते हैं, ग्लेजिंग क्या होती है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ डोर एंड विंडो क्या होता है कि क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो ये होता है कि डोर और विंडो फुलफिल सम फेयरली ऑब्वियस फंक्शंस। ठीक है, उसको क्या करना चाहिए कि एक रिक्वायरमेंट होती है डोर की जिसको फुलफिल करना चाहिए। दे आर स्टेचुअस रिक्वायरमेंट्स फॉर बोथ डोर एंड विंडो इन द बिल्डिंग रेगुलेशंस। दीज एंड सम ऑफ द लेस ऑब्वियस फंक्शंस विल बी हाईलाइटेड एज टेक्स्ट अनफोल्ड। ठीक है, डोर एंड विंडो आर ऑलवेज मोर एक्सपेंसिव देन द पोर्शन ऑफ वॉल विच दे रिप्लेस। ठीक है, तो वो क्या होता है कि वॉल बनाने में जितना ज़्यादा खर्चा नहीं होता, उससे ज़्यादा खर्चा तो डोर और विंडो लगाने में होता है। ठीक है, द पोर्शन ऑफ वॉल विच दे रिप्लेस अ पॉइंट वी रिटर्न टू द एंड सेवरल ओकेजन्स अकॉर्डिंग टू अ कल्चर एडिटेड ऑफ द प्राइस बुक ऑफ फेरी बेसिक टिम्बर कैचमेंट विंडो एंड डबल ग्लेजिंग इज 3.75 to 4 times मोर एक्सपेंसिव देन द ब्रिक ब्रॉल कैविटी वॉल। ठीक है, अगर मान लो कि हम एक डोर या विंडो लगाते हैं जो कि डबल ग्लेजिंग हो, डबल ग्लेजिंग का मतलब है कि दो साइड मिरर वाली हो। ठीक है, तो क्या बोलते हैं वो ग्लास वाली ग्लेजिंग अगर हम लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि 3.7 to 4 times वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है अगर हम कोई कैविटी वॉल बनाते हैं तो। ठीक है, अब डोर, डोर क्या होता है कि डोर रिक्वायर्ड टू अलाउ एक्सेस टू अ बिल्डिंग और कंपार्टमेंट विद इन अ बिल्डिंग। ठीक है, तो डोर की क्या रिक्वायरमेंट होती है कि वो अलाउ करे ताकि बिल्डिंग कंपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर हो। एक्सटर्नल डोर मत एक्सक्लूड द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल क्लाइमेट। ठीक है, वो जो भी एक्सटर्नल क्लाइमेट है उससे क्या कर सके, हम बचा सके अंदर के जो एरिया होता है उसको, विंड हो गया, रेन हो गया, हीट या कोल्ड जो भी है। एंड फॉर दैट रीज़न मैनी एक्सटर्नल डोर टूडे इनकॉर्पोरेट अ सर्टेन लेवल ऑफ इंसुलेशन। इसके लिए वो क्या करते हैं आजकल, क्यों क्या है कि लेवल ऑफ इंसुलेटर सप्लाई किए जा रहे हैं ताकि ये सबसे हम बच सकें। एक्सटर्नल डोर मस्ट प्रोवाइड सिक्योरिटी बोथ वेन द प्रॉपर्टी इज अनऑक्यूपाइड और एट अ नाइट वेन द ऑक्यूपेंट आर एस्लीप, बट ऑल्सो अ मीन्स टू स्केप इन केस ऑफ फायर। ठीक है, अगर हमें क्या बोलते हैं कि प्रॉपर्टी को बचाना हो नाइट में अगर कोई सो रहा हो, तो इससे क्या होता है कि एक्सटर्नल डोर ये सबसे बचाते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें डोर की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसे ये सब पता चल रहा है। ग्लेजिंग ऑफ डोर एंड विंडो डिक्रीज द जनरल लेवल ऑफ सिक्योरिटी। डबल ग्लेजिंग विथ सील्ड यूनिट इज सपोज्ड टू इंक्रीज द लेवल। ग्लेजिंग का मतलब ये होता है कि हमने अगर ग्लास वाली डोर यूज़ करी हो तो, है ना। ट्रिपल ग्लेजिंग शुड देयर फॉर इन क्रिएट इट इवन फर्दर। द यूज़ ऑफ टफंड और लेमिनेटेड ग्लास और पॉलीकार्बोनेट शीट विल इंक्रीज द लेवल इवन मोर। द यूज़ ऑफ दिस स्पेशल ग्लासेस मे बी इन नेसेसरी ऑन द ग्राउंड्स फॉर सेफ्टी। ठीक है, तो ये स्पेशल ग्लासेस क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं ग्राउंड के लिए, सेफ्टी के लिए। अब हम ये समझते हैं कि डोर कितने टाइप की होती है। ठीक है, डोर्स को दो ग्रुप में बांटा गया है, पहले होती है एक्सटर्नल डोर और दूसरा होता है इंटरनल डोर। ठीक है, एक्सटर्नल डोर और इंटरनल डोर को भी नेक्स्ट ग्रुप में बांटा हुआ है। एंट्रेंस डोर होता है और दूसरा पास डोर होता है। ठीक है, एंट्रेंस डोर का मतलब होता है कि जो एंट्रेंस के लिए होती है, और पास डोर का मतलब होता है कि एक कंपार्टमेंट की बिल्डिंग से दूसरे कंपार्टमेंट की बिल्डिंग में जाना हो तो क्या होता है कि ये पासेज डोर होती है। ठीक है, अब इसको अलग और ग्रुप में बांटा हुआ है, डोर्स विथ ए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस टू फायर और डोर्स विथ नो पर्टिकुलर रेसिस्टेंस टू फायर। अगर अकॉर्डिंग टू हम फायर रेसिस्टेंस देखें तो उसको दो ग्रुप में बांटा हुआ है कि अगर इसमें एक स्पेसिफाइड रेसिस्टेंस ऑफ फायर होता है किसी डोर में, और किसी डोर में क्या होता है कि एक रेसिस्टेंस, पर्टिकुलर रेसिस्टेंस ऑफ फायर होता है। ठीक है, इसके हिसाब से डोर को क्या बोलते हैं, अलग अलग टाइप में मिलती है हमको। तो पहला होता है लेज्ड और ब्रेज्ड डोर, दूसरा होता है बाउंड लिनिंग डोर, तीसरा होता है फ्लश पैनल डोर,
और फोर्थ होता है पैनल डोर इंक्लूडिंग 50 पैन ग्लेज्ड डोर, और नेक्स्ट होता है प्री ड्रेस्ड पैनल डोर। ठीक है, एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं इन सबको। सबसे पहले लेज्ड और ब्रेज्ड डोर क्या होता है, ठीक है, तो द फेस ऑफ दिस डोर इज मेड विथ टफन्ड एंड ग्रूव्ड बोर्डिंग नेल्ड वर्टिकली और एट अ लीस्ट ऑफ 3 रेल्स द लेजेस एंड विथ 2 डायगोनल ब्रेसेस टो टू जॉइंट इनटू द रेल्स। मैच और फ्लोर बोर्डिंग इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड 12 to 20 mm थिक बोर्डिंग शुड बी नेल्ड टू द लेज एंड ब्रेस विथ राउंड एंड ओवल ब्रेड ऑट टू पेनिट्रेट फुली टू बी ग्लेज्ड। अ लेज्ड एंड ब्रेस डोर इज इलुस्ट्रेटेड इन फिगर 8.1। अभी हम फिगर देखते हैं। दीज डोर आर ओनली सुटेबल फॉर शेड्स, ठीक है, शेड, आउट हाउस, गार्डन वॉल गेट्स एंड एंटीसिलरी बिल्डिंग विथ मिनिमल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। ठीक है, जब हमें क्या होता है कि कम सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हमारा कौन कौन से डोर जो है, हमने एग्जाम्पल देखे, शेड हो गया, आउट हाउस हो गया, गार्डन वॉल हो गया, गार्डन वॉल के जो गेट है वहाँ पर हम इस डोर का यूज़ करते हैं। ठीक है, डायग्राम देखिए आप लेज्ड एंड ब्लेज्ड डोर का। ये क्या होती है कि वुडन की बनी होती है और इसका जो जिगजैग फॉर्मेट में जेड फॉर्म में ये जो देख रहे हैं आप, इसमें डायगोनल ब्रेसेस जो लगे होते हैं, ये आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जब ये डोर्स हम लोग यूज़ करते थे पुराने ज़माने के टाइम पे, इसमें लॉक, लेच और हुक फास्टनिंग ऑन दिस एज फास्टनिंग की जाती है। इसमें टॉप रेल, इसका जो ये है जो फ्रंट व्यू है, वो फ्रंट व्यू में आप ध्यान से देखिए कि रॉक लेट जो होती है वो वर्टिकल में कैसी दिखती है, बॉटम रेल जो होती है वो कैसे दिखती है, डायगोनल ब्रेस जो अप्लाई करते हैं वो कैसा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो डोर का एग्जांपल है वो है बाउंड लिनिंग डोर्स। बाउंड लिनिंग डोर्स में क्या होते हैं कि इसमें जो होता है कि आउटसाइड एज में क्या होता है, एक फ्रेम बना हुआ होता है। ठीक है, हमारा डोर तो होता है लेकिन आउटसाइड में क्या होता है, उसके एज में जो है मैंने फ्रेम बनाया हुआ होता है। और क्या होता है इसमें, द टी एंड एच बोर्डिंग इज 10 to 12 mm थिक एंड इट इज़ ऑलवेज वी जॉइंट और सिमिलरली शेप्ड एंड इट इज़ नेल्ड टू द फ्रेम ऑल राउंड द एज। द एज फ्रेम इज जनरली मेड अप ऑफ 38 to 45 mm थिक टिम्बर एंड डायगोनल ब्रेसेज आर सेट बिटवीन द 3 हॉरिजॉन्टल रेल्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ द फ्रेम। द जॉइंट ऑफ द फ्रेम आर टफ मोर्टिज और टेंडर्ड। ठीक है, तो इसमें जो जॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, मोर्टिज और टेंडर्ड होते हैं। द ब्रेसेज आर मोर्टिज इन टू टॉप मिडिल एंड बॉटम रेल रेदर देन प्लेन टो जॉइंट। ठीक है, अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ इसका। बाउंड लिनिंग डोर का आप एग्जांपल देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि लॉक स्टाइल जो है वो चारों तरफ मैंने बनाई हुई है एक्सटर्नल फेस में। ठीक है, इसमें चारों तरफ फ्रेम आपको दिख रहा होगा, टॉप रेल है, लिनिंग जो बीच में बनी हुई होती है, ठीक है, और लिनिंग के बीच में इसको कनेक्ट करने के लिए क्या होते हैं, ब्रेसेस लगाए जाते हैं। ये जेड फॉर्म में हो जाता है ब्रेसेस लगाने के बाद। ठीक है, इसका जो वर्टिकल जो आपको वो है व्यू है वो देख लीजिए, इसमें टॉप रेल होती है, लिनिंग होती है, मिडिल पोर्शन, जैसे कि सबसे पहले जो टॉप पोर्शन होता है उसको टॉप रेल बोलते हैं, बीच वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लॉक रेल बोलते हैं और नीचे जो पोर्शन होता है उसे बॉटम रेल बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो लिनिंग होती है वो आपको इस डायग्राम में इस तरह वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सेक्शन में अच्छे से दिखाया हुआ है। फ्लश पैनल डोर का एग्जांपल देख लीजिए आप, इसमें क्या है कि ये जो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है हमको, मतलब कि जो फ्रंट व्यू दिया हुआ है उसमें क्या दिख रहा है, लेटर प्लेट ब्लॉक दिख रही है। लेटर प्लेट ब्लॉक में क्या है कि ये लॉक ब्लॉक भी होते हैं, यहाँ पे लिपिंग होती है चारों तरफ। इसमें क्या होता है कि मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकली एक फ्रेम बना हुआ होता है। ठीक है, इसमें जो वो फ्रंट व्यू है वो आप देखिए, जो इसमें कोर होती है, नेक्स्ट यहाँ पे लिपिंग दिख रही है, कोर का मिडिल वाला पार्ट दिख रहा है और मिडिल वाले पार्ट के पास यहाँ पे जो लिपिंग हुई हुई है फ्रेम, ये जो दिख रही है। ठीक है, और हनीकॉम कोर होता है जो कि यहाँ पे साफ आपको दिख रहा है। ठीक है, ये छोटे 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 सेक्शंस में डिवाइड होता है, कभी आपने अगर ये डोर को देखा होगा तो। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि फ्लश पैनल डोर क्या होता है। दीज डोर आर मेड ऑफ फ्रॉम 2 शीट ऑफ प्रिंसिपली प्लाईवुड और हार्डवुड अल्थॉट एनी शीट मटेरियल कैन बी यूज्ड सेपरेटेड बाय अ कोर। कोर कैन बी सॉलिड और सेलुलर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 2 शीट बनाई हुई होती है, इसने प्लाईवुड की होती है, हार्डवुड की होती है, और दोनों को सेपरेट करते हैं कोर के थ्रू। कोर या तो सॉलिड हो सकता है या सेलुलर हो सकता है।
सॉलिड कोर आर मेड ऑफ टिम्बर स्ट्रिप और स्टील टू पार्टिकल वुड वेरियस डेंसिटीज बीइंग यूज्ड सेलुलर कोर्स आर मेड फ्रॉम अ एग बॉक्स कंस्ट्रक्टेड ऑफ टिम्बर स्ट्रिप और कार्डबोर्ड दे कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम शीट ऑफ पार्टिकल वुड विच हैव होल्स रनिंग द हाइट ऑफ द डोर. ठीक है, द फ्लश पैनल्स आर ग्लूड ओनली ऑन द कोर मटेरियल. ठीक है, अब इसमें जो 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 कनेक्टेड होते हैं वो कोर मटेरियल के थ्रू ही कनेक्टेड होते हैं, जो फ्लश पैनल होते हैं. वायर स्टेपल्स आर ओकेजनली यूज्ड. वायर स्टेपल्स का यूज़ जनरली नहीं किया जाता है, इसमें क्या होता है कि ये ग्लू से ही लगे हुए होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट होता है मेरा पैनल डोर. ठीक है, तो पैनल डोर जो होते हैं वो सभी ने देखे हुए होते हैं, वो वुडन के बनते हैं. ठीक है, पैनल डोर इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय फॉर्मिंग अ फ्रेम जनरली 38 to 45 mm थिक. इसमें क्या होता है कि एक फ्रेम बनाया जाता है जो कि टिम्बर का होता है, 38 से 45 mm थिक होता है. इनसाइड विच थिनर लेयर ऑफ टिम्बर प्लाईवुड और विनर्ड पार्टिकल बोर्ड और इवन ग्लास और मिनर कैन बी सेट इंटू ग्रूव्स कट इन द साइड कट इन साइड एजेस ऑफ द फ्रेम. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो हम ये 38 x 40 का हम लोग फ्रेम बना लेते हैं, उसके बीच में या तो प्लाईवुड या तो ग्लास या तो मिरर ये सब लगा देते हैं. ठीक है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट एंड अपनी इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू, हमें कैसा कंस्ट्रक्शन करना है उसके हिसाब से. मोस्ट यूजली द एजेस ऑफ द फ्रेम वेयर द पेनल्स आर लेट इन एंड आर माउडेड टू इम्प्रूव द अपीरियंस ऑफ द डोर. द मोस्ट कॉमन शेप इज ओवलो मोल्डिंग. ठीक है, अब ये ओवलो मोल्डिंग जो है वो मैं आपको नेक्स्ट फिगर में आपको दिखाती हूँ कैसा होता है. ये पैनल डोर को आप ध्यान से देखिए, इसमें ये जो बीच बीच में छोटे छोटे फ्रेम दिख रहे हैं आपको, यही फ्रेम जो होते हैं ये टिम्बर के बने हुए होते हैं. ठीक है, तो ये टिम्बर के बने होने के बाद इसमें बीच में आप प्लाईवुड लगा सकते हो, वुड लगा सकते हो. ठीक है, या ग्लास की शीट लगा सकते हो, या अपन पे डिपेंड करता है. ठीक है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है कि कस्टमर क्या डिपेंड कर रहा है. अब इसमें आप सेक्शन में देखिए, इसमें टॉप रेल होता है, स्टाइल होता है, पैनल अपर लेयर होती है. ठीक है, और उसके बाद ये बीच वाली जो लेयर होती है हम उसको लॉक या मिड रेल बोलते हैं, और नीचे वाली जो होती है उसको हम बॉटम रेल बोलते हैं. ठीक है, आपको एग्जाम में आ सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन अलग अलग टाइप्स के डोर के बनाने के लिए. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हैंगिंग अ डोर. अब डोर के हमने बहुत सारे टाइप्स देख लिए, अब हम लोग कैसे उसको हैंग करते हैं वो देखते हैं. अ डोर इज़ नॉट अ फिक्स्ड और फिटल्ड और बिल्ड इन. ठीक है, वो नहीं तो परमानेंटली फिक्स भी नहीं होता है, फिटल्ड भी नहीं होता है, और बिल्ड इन भी नहीं होता है कि हम इसको पहले से बना रहे हैं. इट इज़ जस्ट हैंग, वो क्या होता है कि सिर्फ हैंग किया हुआ होता है, जनरली ऑन हिंजेस. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हिंज सपोर्ट लगा होता है. समटाइम्स इन पेटेंट डिवाइस फॉर स्लाइडिंग फोल्डिंग ETC डोर्स लेज्ड एंड ब्रेसेस डोर आर जनरली हैंग ऑन टी हिंज. ठीक है, तो ये क्या होता है कि टी हिंज में लगा होता है. आप जब भी हम लोग के घर पे देखना कभी, आपको टी हिंज समझ में आएगा. ठीक है, डोर्स में इफ ऑफ हैवी कंस्ट्रक्शन ऑन क्रूक और बैंड हिंज. ठीक है, अगर हैवी कंस्ट्रक्शन हो तो क्रूक या बैंड हिंज को लगाते हैं. द अदर डोर वी हैव डिस्क्राइब्ड इज यूजली हैंग ऑन बट और एज हिंज. ठीक है, तो जो भी हम लोगों ने अभी डोर पढ़ा वो क्या होते हैं कि बट जॉइंट में या फिर ये एज हिंज में ही लगाए जाते हैं. ठीक है,